इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑन अ स्मॉल स्फीयर चार्ज इन -0.8 माइक्रो कूलम इन एयर, फोर्स इन 0.2 न्यूटन. तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अप टू स्फीयर, मतलब दूसरे स्फीयर का चार्ज कितना मान लेंगे, चलो 0.4 माइक्रो कूलम. तो कंफर्मेशन है कि दो स्फीयर हैं, दोनों स्फीयर के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का. तो हमको डिस्क्रिप्शन करना है कि इन दोनों के स्फीयर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी. एक बात याद रखो, एक चार्ज रखा है माइनस का, दूसरा है प्लस का. तो प्लस और माइनस चार्ज केवल इस बात को डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन फोर्स, इसमें कौन सा फोर्स लगेगा अट्रैक्शन, क्योंकि ये माइनस का और दूसरा किसका है, प्लस का. और दूसरी बात इसमें पूछा गया कि फर्स्ट यानी वाले में यदि इतना फोर्स लग रहा, फर्स्ट में कितना लग रहा 0.2 न्यूटन का, तो इस स्पेयर में फोर्स कितना होगा, इसका फोर्स F12 मानोगे, जिसका फोर्स क्या मानो F2 मान लोगे. तो पहले चार्ज Q1 8 × 10⁻⁶, दूसरा माइनस 0.4 × 10⁻⁶ होगा. ये किसका फार्मूला है, कूलाम ला का, फोर्स एम वैल्यू रख दी. ये कितना 9 × 10⁹, ये. अब देखो आर स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 0.2 नीचे आ जाएगा, तो इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4. ओके, तो 9 × 2 = 0.8 ऐसे रखा. अब 12 में 9 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा. यदि पॉइंट को पीछे ले जाओ तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी. 9 × 2 × 8, तो 9 × 16 × 10⁻⁴ हुआ, और 9 × 16 ये 3 हुआ, 16 का कितना आएगा 4, तो 3 × 2 = कितना होता है 12 × 10⁻². अब देखो तो 12 × 10⁻² मीटर लिखो या 12 सेंटीमीटर लिखो. एक बात और याद रखना, पहले वाले स्क्वायर में चार फोर्स कितना था 2 न्यूटन का, तो दूसरे में भी 2 न्यूटन का ही होगा, क्योंकि हमने बता रखा है कि कंडीशन होती है जो कूलाम लॉ वर्क करता है वो किस पे काम करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर, एक्शन बट अपोजिट रिएक्शन, यानी जो इस पर फोर्स होगा वही इस पर फोर्स होगा. ओके, यदि पहले में 0.2 न्यूटन का था तो दूसरे स्क्वायर में भी 0.2 न्यूटन का फोर्स होगा.